हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप अपने ब्लॉग वेबसाइट को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, वो भी फ्री में दोस्तों HTTPS के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे YouTube का यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे सिक्योर लिखा हो रहा है। अपने ब्लॉग वेबसाइट को यहाँ पे किस तरह से फ्री में कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप SSL सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए, तो आपको एक प्लान लेना पड़ेगा और कम से कम 2000 से 4000 रुपया पड़ जाता है। लेकिन अगर आपका ब्लॉगर से रिडायरेक्ट है, यानी ब्लॉगर से आपने होस्टिंग लेके रखा है, तो वहाँ पे एक फैसिलिटी अवेलेबल हुआ है और उसको आप वहाँ से एक्टिव करके आप अपने ब्लॉग वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं, वो भी फ्री में दोस्तों। अगर जानना चाहते हैं दोस्तों ये चीज़ कैसे हो सकता है फ्री में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने ब्लॉगर पर जाना है। ब्लॉगर पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टेक्नोलॉजी टिप्स इसराइल है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिएगा, बेसिक सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट नो होगा। पहले यहाँ पे ये सब डिसेबल था, लेकिन अब ये पता नहीं इनेबल हो गया है, 1 से 2 दिन के अंदर ही हुआ है। 2-3 दिन मैं अपने ब्लॉग पे विजिट नहीं क्लिक कर पाया, इसलिए मैं ये वीडियो लेट से बना रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे नो होगा, इसे यस कर दीजिएगा, और थोड़ी देर के बाद ये वाला भी इनेबल हो जाएगा, इसे भी यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद दोस्तों थोड़ी देर के बाद आपका यहाँ पे इसी तरह से सिक्योर यहाँ पे दिखने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योर लिखा आ रहा है हमारा वेबसाइट। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग भी कर सकते हैं अपने ब्लॉग वेबसाइट को सिक्योर, वो भी फ्री में दोस्तों। ब्लॉगर का प्रोडक्ट है और यहाँ पे अपने डाटा को भी सिक्योर कर सकते हैं। बहुत ऐसे विजिटर होते हैं जो सिक्योर ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर ही विजिट करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक बात है दोस्तों कि आप जब आप अपने अपने वेबसाइट के ऊपर HTTPS जब एक्टिव कीजिएगा, यानी ऑन कीजिएगा, तो आपका अगर वेबसाइट वेब मास्टर टूल पर वेरीफाई होगा, तो वहाँ पर फिर से आपको वेरीफाई करना होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, बस थोड़ा सा प्रोसेस है, वेरीफाई कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। तो दोस्तों इस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।